बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे। ये तमाम वर्ड्स जिस बुक से लिए गए हैं उसका नाम है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान बाय IH कुरैशी। अब चलते हैं उन वर्ड्स की तरफ जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। आज जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं वो हैं कॉन्सनेंट्स, ग्लिमरिंग, लैम्पून, विविसेक्ट, सरप्टिशियसली। पेज नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं फर्दर डिटेल्स। पहला वर्ड है कॉन्सनेंट्स, ये नाउन है और इसका मतलब होता है अग्रीमेंट या फिर हार्मनी और अग्रीमेंट अमंग कॉम्पोनेंट्स या फिर स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। इसको मौसीकी के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के दरमियान हारमोनी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो सुरीलेपन के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। जो सेंटेंस है ये भी बुक जिसका नाम है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान उसी से लिया गया है। नो पॉजिटिव एविडेंस इज़ अवेलेबल इन द सपोर्ट एंड वॉट द मुस्लिम्स डिमांडेड वॉज इन कम्प्लीट कॉन्सनेंस विद देयर थिंकिंग एंड फिलोसफी। इसके सिनोनिम्स होते हैं बैलेंस, कोहेरेंस, हार्मनी और इसके एंटोनिम्स होते हैं एसिमेट्री, इम्बैलेंस, डिस्प्रोपोर्शन। अल्फाज में आहंगी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे अगर किसी ने कोई पीस ऑफ किसी का कोई पीस ऑफ राइटिंग है तो उसमें अगर कंसोनेंस है तो दैट मीन्स कि उसमें एक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी है, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ रिकरेंट साउंड्स ऑफ वर्ड्स है। जैसे हम कह सकते हैं कि इन गुड राइटिंग देयर इज़ ऑलवेज अ कॉन्सोनेंस ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस, तो उस के लिए भी कॉन्सनेंस का वर्ड इस्तेमाल होता है। स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी इसको हम कहेंगे और इसको कहेंगे अल्फाज में हम आहंगी, इत्तफाक या फिर मेल। दूसरा वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो है ग्लिमरिंग। ग्लिमरिंग नाउन है और इसका मतलब होता है स्मॉल साइन ऑफ समथिंग, यानी कि हिंट किसी चीज़ का या किसी चीज़ को फोरसी करना। In the demand for separate electorates may be seen the glimmerings of the two nation theory. इसके synonyms होते हैं inkling, hint या फिर spark, झिलमिलाहट, झलक या फिर खफीफ सी झलक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है lampoon, ये verb है और इसका मतलब होता है किसी को publicly criticize करना, उसका मजाक उड़ाना। To criticize somebody or something publicly in a humorous way that makes them or it look silly. जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ही लैम्पूंड सैयद अहमद खान एंड हिज फॉलोअर्स इन इंटेम्परेट लैंग्वेज। इसका सिनोनिम है सैटराइज और तंस करना या फिर बदनाम करना या फिर नशर करना, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ वर्ड है विविसेक्ट। विविसेक्ट वर्ब है और विविसेक्ट का मतलब होता है माइन्यूट और पिटीलेस एग्जामिनेशन और क्रिटिसिज्म। इसके अलावा जो ये पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है किसी ज़िंदा जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो और उसमें जब उसका सर्जिकल इंसीजन हो कोई उसके लिए। लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस में उसमें इसी मीनिंग में है पिटीलेस एग्जामिनेशन और क्रिटिसिज्म। ही हैड विविसेक्टेड द बंगाली होमलैंड। ये सेंटेंस है पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड। इसका सिनोनिम होता है बायोप्सी, बट ऑब्वियसली ये सिनोनिम इसके जो दूसरे मीनिंग है उसमें इस्तेमाल होगा, जो ये वाला मीनिंग है जिसमें हम पिटीलेस एग्जामिनेशन या फिर क्रिटिसिज्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये सिनोनिम इस्तेमाल नहीं होगा। और उर्दू में इसको हम बता सकते हैं जैसे तशरीह कुनिंदा, चीर फाड़ करने वाला, जानवरों की चीर फाड़ या फिर ज़िंदा जानवरों पर जराही करना, तो इसी लिहाज से इसका जो एंटोनिम होता है वो पोस्टमार्टम ही कहा जा सकता है क्योंकि ये ज़िंदा जानवरों के ऊपर है और वो डेड के ऊपर होता है। नेक्स्ट वर्ड है सरप्टिशियसली। ये एडवर्ब है और इसका मतलब होता है इन ए क्विक और सीक्रेट वे दैट सो दैट अदर पीपल डोंट नोटिस। जैसे ऑल एविडेंस पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट द कांग्रेस वॉज फाउंडेड एट ब्रिटिश ऑफिशियल इंस्टिगेशन एंड दिस वॉज सरप्टिशियसली डन बाय अ गवर्नर जनरल थ्रू ए रिटायर्ड इंग्लिश सिविलियन। इसके सिनोनिम्स होते हैं सीक्रेटिवली, स्नीकीली, अंडरकवर, अंडरग्राउंड, अंडरहैंड, खुफिया या छोरी छुपे करना, चुपके चुपके, अंदर ही अंदर या फिर खुफिया तौर पर, इसको उर्दू में कहा जाता है। ये थी आज की वोकैबुलरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशंस दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।